नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मन महिलाओं और मनोरंजन के लिए मुजरापट्टी और देह व्यापार की मंडियों में जाने वालों से जुड़ी यह खबर है। सावधान हो जाइए, मन मिजाज को ठीक रखिए, नहीं तो आपके साथ भी नई दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद के व्यापारी के साथ जैसा हुआ वैसा हो सकता है। लूट पिट जाएंगे, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी और बदनामी के डर से आप भी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। गाजियाबाद के व्यापारी से झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित लच्छीपुर में देह व्यापार में शामिल लड़कियों के आदमियों ने जबरन 4 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, उस्तुरा मार कर जख्मी कर दिया। पश्चिम बंगाल के कुल्टी थाना क्षेत्र के न्यामतपुर फाड़ी अंतर्गत लच्छीपुर में रंगरलिया मनाने आए ग्राहकों से वहां के एक दुकानदार ने 3 लाख रुपए जबरन अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। इसके पहले वह 1 लाख रुपए ले चुका था। जिसके साथ यह घटना हुई उसे उस तरह भी मारा गया, उसका इलाज पुलिस स्थानीय स्तर पर करा रही है। खबर है कि गाजियाबाद का एक व्यक्ति लच्छीपुर आया था, रंगरेलिया मनाने के बाद व्यापारी का बिल 4 लाख रुपए से ज्यादा बना दिया गया, लेकिन उसके पास 1 लाख रुपए थे। उसने ये रुपए दे दिए, बाकी पैसा नहीं होने की दुहाई दी, लेकिन देह व्यापारियों ने उसकी एक न सुनी। यह घटना शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात की है। देह व्यापार में शामिल लड़की के आदमियों ने व्यापारी को अपने कब्जे में लिया, जबरन उसके मोबाइल में ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर का ऐप खुलवाया और अपने खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। खबर यह भी है कि उस व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की। हालांकि पुलिस का कहना था कि छिनताई का मामला तो आया है, लेकिन कितने की छिनताई हुई है यह बताना मुश्किल है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।